Let's see. गुजरात में आप आए हैं तो आपको कई चीज़ें खाने पीने की मिल जाती हैं। तो पहले फ्रेंड्स से आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो। लगा दो अंकल जी एक। पिस्ता वाला ले लो। अच्छा ठीक है, जो बैटर हो अंकल जी ये बनाते हैं। न्यायपुरा मार्केट के बिल्कुल सामने ये खड़े होते हैं और अभी हमें ये पिला रहे हैं पिस्ता वाली। ये पिस्ता वाली है। हाँ ठीक है जी। तो सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? 9:30 बजे। 9:30 से कब तक रहते हो? 9:30 बजे। 9:30 से 9:30, 12 घंटे। 12 घंटे आपको ठंडी ठंडी लस्सी यहाँ पे वडोदरा में पिलाई जाती है। ये देखो वाह। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं गुजरात के खूबसूरत शहर वडोदरा में और मैं वडोदरा की गुजरात की डिशेस आपको दिखाने वाला हूं। शुरुआत में कर रहा हूं लस्सी। न्यायपुरा, आप जब न्यायपुरा आएंगे न्यायपुरा की मार्केट के बिल्कुल सामने अंकल जी खड़े होते हैं और लस्सी हमें पिलाते हैं। बात करें ये देखो जी कलर लस्सी का, ये पिस्ता लस्सी है यहाँ की फेमस, मात्र 30 रुपये आपको दी जाती है। वाह जी अद्भुत टेस्ट है, यूनिक टेस्ट है, ऐसा लग रहा है घर की बनी हुई लस्सी मैं पी रहा हूँ। और आप भी वडोदरा आए न्यायपुरा मार्केट के पास बिल्कुल सामने सिनेमा हॉल देखेगा उसके पास ही अंकल जी खड़े होते हैं, तो इनकी लस्सी जरूर टेस्ट कीजिए और मुझे भी बताइएगा कि आपको इनकी लस्सी कैसी है। लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन लोकेशन, एक बेहतरीन फूड पे। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद। हाँ लस्सी जो है बिल्कुल गाढ़ी लस्सी है, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि पानी मिक्स किया हुआ है, कहीं जगह होता है कि हमें पतली लस्सी मिल जाती है तो पीने का मज़ा नहीं आता। और आप पंजाबी हैं और लस्सी के शौकीन हैं तो आपको तो अच्छी लस्सी चाहिए, तो वडोदरा आके आप ज़रूर इसे टेस्ट कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन फूड डेस्टिनेशन, एक बेहतरीन फूड की लोकेशन पर। बाय, धन्यवाद।